हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं, हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के अपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें तीन विशेषताएं कॉमन है ये इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है, ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है, कुछ लोग अलग तरीके की बुद्धि, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से, ऐसे पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था, बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था, क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूँ कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूँ, वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती तो उतने घंटे में चल जाता है, मेरे परिवार में 140 करोड़ है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को जरा चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूँ और इसलिए मेहनत भी करता हूँ, उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूँ आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी, एक क्योंकि चुनाव का वक्त है, तरह तरह के प्रेडिक्शन और दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या दावे कर रहे हैं लोग वो एक बार मैं दिखा देता हूं, ये मेरा फाइनल सवाल होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया है, पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियो है। आप एक काम अच्छा किया 2019 की जगह, मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है, 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है, और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं, और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा के वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं है, और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूं कि तुम आंकड़ा कहां से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा है बता। अब देखिए उनको, आपने देखो गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए मीडिया में जगह बनाने कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं आप इतना भी ना कर दे भाई, अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे, 4 जून तक तो जिंदा रहने दो।